हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्लांट इज नॉट डिफाइंड इन कोड। प्लांट जो है वो सीपीसी में डिफाइंड नहीं है। प्लांट इज लीगल डॉक्यूमेंट। प्लांट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है विच कॉन्टेन्स द रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्लांटिफ, जो कि प्लांटिफ के सारे रिटन स्टेटमेंट को उसमें दिया होता है। उसमें उसका क्लेम, उसका रिलीफ सब दिया होता है। ए प्लांट इज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द इनिशिएशन ऑफ शूट। शूट जब स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है उसी को प्लांट कहते हैं। ए प्लांट इज प्रेजेंटेड टू द सिविल कोर्ट। प्लांट जो होता है वो हमेशा सिविल कोर्ट में प्रेजेंट होता है। प्लांट कभी भी क्रिमिनल कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। या कहाँ दिया गया हुआ है प्लांट के बारे में? प्लांट ऑर्डर 7 रूल 1 टू 14 में दिया गया है। इसे किस सेक्शन के साथ पढ़ना है? तो इसे हमेशा सेक्शन 26 के साथ पढ़ना है। ऑर्डर 7 रूल 1 टू 8। रूल 1 से 8 तक में क्या है? तो ये रिलेट्स टू पार्टिकुलर्स इन द प्लेंट। प्लेंट के पार्टिकुलर से रिलेटेड है। इसके बाद ऑर्डर 7 रूल 9। रूल 9 में दिया गया है प्रोसीजर ऑफ प्लेंट बीइंग एडमिटेड। प्लेंट कैसे एडमिट होगा इसके बारे में दिया गया हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 10 टू 10B। 10 से 10B तक क्या दिया गया है? तो रिटर्न ऑफ प्लेंट, प्लेंट के रिटर्न के बारे में। इसके बाद एप्लीकेंस ऑफ पार्टी, पार्टी के एप्लीकेंस को लेकर दिया गया है। इसके बाद ऑर्डर 7 रूल 11 टू 30। 11 से 13 तक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में दिया गया है। इसके बाद ऑर्डर 7 रूल 14 टू 17। 14 से लेकर 17 तक तो क्या दिया गया है? तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे प्रोडक्ट उसमें प्रेजेंट होगा उसको लेकर दिया गया हुआ है। एवरी प्लांट शुड कॉन्टेन फ्लोइंग पार्टिकल्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेंट में ये जो पार्टिकुलर से वो निश्चित रूप से होने ही चाहिए। तो सबसे पहला है नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट इज बाउट। सबसे पहले तो उस कोर्ट का नाम होना चाहिए जिसमें हम लोग केस फाइल करेंगे। इसके बाद है द नेम ऑफ द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द प्लांटिप। उसके बाद प्लांटिप का नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस जहाँ वो रहता है वो होना चाहिए। उसके बाद द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट का नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस जहाँ वो रहता है वो होना चाहिए। इसके बाद है वेयर द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए स्टेटमेंट दैट टू इफेक्ट। अगर जो प्लेंटिफ होगा या तो माइनर होगा या फिर अनसाउंड माइंड होगा तो वो स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा। द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन द कॉज ऑफ एक्शन एंड वेन इट अक्रॉस। इस फैक्ट में क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए और वह कब हुआ ये भी दिया हुआ होना चाहिए। इसके बाद द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन, और फैक्ट ये क्लियर, फैक्ट में ये क्लियर होना चाहिए कि यह किस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। ए स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिडिक्शन एंड कोर्ट फी। कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन और कोर्ट फी के लिए उस सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू का होना निश्चित है। अगर हम लोग किसी सब्जेक्ट चीज के वैल्यू को नहीं देंगे तो उसका ज्यूरिडिक्शन और कोर्ट फी डिसाइड नहीं हो पाएगा। द रिलीफ क्लेम्ड बाई द प्लेंटिफ सिंपली और इन द अल्टरनेटिव। प्लेंटिफ जो होता है वो अपना सारा क्लेम या तो सिंपल तरीके से दे सकता है या उसको अल्टरनेटिव करके भी दे सकता है। ए फैक्ट शोइंग दैट द प्लेंटिफ हैज एन एक्चुअल एग्जिस्टेंस इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, और जो फैक्ट ऑफ प्लेंटिफ होगा वो क्लियर शो करना चाहिए कि प्लेंटिफ का उसमें इंटरेस्ट है। वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड टू सेट ऑफ और रिलिंग्विश ए पोर्शन ऑफ क्लेम द अमाउंट शो अलाउड इज रिलिंग। अगर प्लेंटिफ जो होगा वो अगर किसी मामले के किसी पोर्शन को वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। इसके बाद है वेयर द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। अगर उस मैटर जो है रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो दिया हुआ होना चाहिए। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सफिशियंट टू आइडेंटिफाइड। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का क्लियर तरीके से डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाइड दिया हुआ होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या देना है? तो बाउंड्री, सर्वे नंबर, सब कुछ उसमें देना है।
द इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डिफेंडेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। और इसके बाद ये भी देना है कि डिफेंडेंट की क्या इंटरेस्ट है उसमें और उसकी क्या लाइबिलिटीज बनती थी। उसके बाद वेयर द सूट इज टाइम बार्ड, अगर सूट टाइम बार है, द ग्राउंड अपॉन विच एग्जेम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज क्लेम्ड, अगर टाइम बार है तो उस बेसिस पर भी क्लेम किया जा सकता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके शेयर बटन पे जाना है और वहाँ से लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद क्रोम में जाके उसे ओपन करना है। उसके बाद वीडियोज पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद उसे जाके कहीं भी पेस्ट करके सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।